फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि यूएस टैक्स फॉर्म आपका जो एक्सपायर हो गया 2024 में, वो किस प्रकार से आप दोबारा भरेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप नहीं भरते हैं तो आपको डिफॉल्ट टैक्स 24% आपका कट जाएगा वर्ल्ड वाइड, जो भी आप अर्निंग करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी दमदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है, उसमें एडसेंस टाइप कर देना है। टाइप करने से पहले आपको अपना जो है गूगल क्रोम है, अपने उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आपका एडसेंस बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आप दे सकते हैं, सर्च करेंगे एडसेंस। एडसेंस में आपके सामने ऑप्शन है साइन इन, नीचे सिंपली इस पर सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो आप दे सकते हैं, आपका ये खुल गया है। खुलने के बाद आप दे सकते हैं गूगल एडसेंस। खुलने के बाद थ्री डॉट पर सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप दे सकते हैं, इसमें कुछ मेथड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको ऊपर, सबसे ऊपर यदि आपने कोई वेबसाइट है तो सिंपली आपको सेलेक्ट करके अपना एडसेंस फॉर यूट्यूब कर देना है। हमारा केवल यूट्यूब है तो यूट्यूब ही रहेगा, एक है दो। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन इसमें पेमेंट्स का, सिंपली इस पर टैप करना है एक बार। जैसे हम टैप कर देते हैं, इसमें दो मेनू ओपन हो जाते हैं, पेमेंट इन्फो और वेरिफिकेशन चेक। आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट इन्फो, सिंपली आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है मैनेज सेटिंग का। आप देख सकते हैं मैनेज सेटिंग में जाएंगे, इस पर टैप कर देना है। जैसे हम टैप कर देते हैं, कई डिटेल आपके सामने देखने को मिल जाती है। सिंपली आपको आपको सिर्फ यही देखना है, यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। इसमें एक पेंसिल का ऑप्शन है, सिंपली इस पेंसिल पर सेलेक्ट करना है आपको। जैसे हम पेंसिल पर सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा मैनेज टैक्स इन्फो। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको दिखे तो उस पेज पर मैनेज टैक्स इन्फो पर सिंपली सेलेक्ट करना, क्योंकि जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसे आप मैनेज करना चाहते हैं, मतलब बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे हम टैप कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट आ गया है, फॉर्म W8BEN आप देख सकते हैं, ये है जो अप्रूव है वो आपके सामने देखने को मिल जाता है। आपने जो पहले सबमिट किया था वो आपको देखने को मिल जाता है। ये जो है 3 साल के लिए फॉर्म भरा जाता है, 3 साल के बाद दोबारा आपको भरना होता है। नहीं भरते हैं तो 24% जो है टैक्स आपका कट जाएगा, इसलिए आपको ये भरना ज़रूरी है। इसमें पैन कार्ड की डिटेल आपको देनी होती है, यदि फ़ोटो मांगे किसी आईडी का वो भी आपको देनी होती है। कई लोगों का मांगेगा, कई लोगों का नहीं मांगेगा। इसमें शो टैक्स डिटेल एंड डॉक्यूमेंट नीचे ऑप्शन है, सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने जो पुरानी जो है एक्सपायरी डेट आपके सामने शो करेगा 31 दिसंबर 2024। तो इसकी जो आप देख सकते हैं जो 10 सितंबर 2024 है, उससे पहले आपको ये डिटेल फिल करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप इसी पेज पे नीचे आएंगे तो सबमिट न्यू फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये आपकी 18/2024 आप देख सकते हैं डेट इशूड है आपका, ये सबमिट न्यू फॉर्म है। आपको नया फॉर्म जब सबमिट करना है, क्योंकि आपको 2024 से 2027 के बीच में जो आप पेमेंट लेंगे उसके लिए आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सिंपली इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, आप देख सकते हैं पॉपअप आपका स्टार्ट न्यू फॉर्म। ये हमें बोल रहा है कि जैसे स्टार्ट हम करेंगे तो आपकी जो पुरानी जो ये फॉर्म भरते ही पुरानी जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। यदि अप्रूवल में यदि पेंडिंग रहती तो रिव्यू में शो करेगा, दोनों ही शो करेगा। सिंपली आपको स्टार्ट न्यू फॉर्म पर सिंपली सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, 15 से 20 मिनट का आपके सामने टाइम है, इसमें आपको ये टोटल कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये मतलब फेल हो जाएगा, इसलिए 15 से 20 मिनट के अंदर ये टोटल डिटेल आपको देनी है। स्टार्ट नीचे फॉर्म आप देख सकते हैं जागोला के, उस पर सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, अपनी उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट करना, क्योंकि वेरीफाई करना चाहता है आप ही हैं। नेक्स्ट कर देंगे या पासवर्ड डाल के तो आपका लॉगिन हो जाएगा।
जैसे हम लॉगिन हो जाए था, तो आप देख सकते हैं आपका लॉगिन हो गया, तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन देगा। देख मैनेज टैक्स इन्फो पे जैसे सेलेक्ट किया और जैसे ही आपने ईमेल आईडी का दोबारा पासवर्ड डाला तो ये ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जो इंडिविजुअल है वो आपके लिए है, यदि आपको बिजनेस करना चाहते हैं नॉन इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि आप नॉर्मल हैं तो इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट कर देते तो आपसे पूछेगा कि आप यूनाइटेड स्टेट के आप सिटीजन हैं, मतलब रहने वाले नागरिक हैं। आप देख सकते हैं यदि हाँ तो यस करना, नहीं तो नो। यूएस वाले यस करेंगे और इंडिया वाले नो करेंगे, किसी दूसरी कंट्री वाले। हमने नो कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक फॉर्म जो है भरना होता है, वो टैक्स से रिलेटेड होता है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे W8BEN। आपको ये करना है क्योंकि आज इंडिविजुअल है, मतलब यूएस से बाहर के रहने वाले हैं, इसलिए आपको, यदि यूएस के होते तो आप दे सकते हैं ये भरते नीचे वाला, क्योंकि इंडिविजुअल है। W8BN आप सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट फॉर्म नीचे दिया गया है, इस पर सिंपली सेलेक्ट कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम आ जाएगा। जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे आपका नाम आएगा, नाम आने के बाद आप देख सकते हैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया अपना पैन, जो फोरन आप देख सकते हैं फोरन टिन, इसकी जगह आपको अपना पैन कार्ड डालना है और ये खाली छोड़ देना ऑप्शनल। आप देख सकते हैं ये यूएस टिन है, मतलब यूएस के यदि हो तभी भरना है, क्योंकि आप यूएस से बाहर हैं, सिंपली आपको अपना पैन कार्ड डालना है। उसके बाद ये नीचे यूएस टिन ये खाली छोड़ देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दें तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपको जैसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइप कर दें कहीं भी, आपकी जो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन जो इसमें आपने 2021 या पहले जो दी थी वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगी, फिल हो गई आपकी। उसके बाद आप दे मेलिंग एड्रेस इन सेम परमानेंट रजिस्टर्ड एड्रेस, सिंपली इस पर टिक करना है, क्योंकि जो आप मेल वगैरह जो होगा, जो कुछ आएगा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर, वो सेम है दोनों के दोनों, तो टैप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है टैक्स ट्रेटी, ये आपको बननी, मतलब इंडिया और यूएस के अंदर जो टैक्स की टैरिटी है, मतलब जो संबंध हैं उनके नज़रिए से हमें ये पूछ रहा है, आर यू क्लेमिंग रिड्यूस रेट विदाउट अंडर टैक्स ट्रेटी। आप देख सकते हैं यस करेंगे, आपको आप देख सकते हैं यस करना है, यदि यूएस के होते तो नो करना है। इंडिविजुअल हैं, मतलब इनसे बाहर से हैं, आपके इंडिया और जो है यूएस की ट्रेटी है टैक्स में, तो यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं इसे रजिस्टर्ड द फॉलोइंग कंट्री मीनिंग इनकम टैक्स ट्रेटी बिटवीन, ये आप देख सकते हैं, सिंपली इस पर टैप करेंगे और कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ पोर्शन आपके सामने कुछ दिखाई देंगे, तो पोर्शन में क्या करना है, आर्टिकल 12 करना है और 15% रिड्यूस करना है। उसके बाद रीजन सिंपली इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद ये थोड़ी सी क्लिक करने हैं। उसके बाद आर्टिकल 7 आ गया, इसमें 0% आपको रखना है, क्योंकि इसमें 15 भी होगा कुछ और भी होगा, सिर्फ आपको 0 रखना है। उसके बाद मीट आप दे सकते हैं, टेरेटी आप दे सकते हैं, मोशन पिक्चर टी वी रियलिटी एक्ट आर्टिकल 12, इसमें 15% रिड्यूस है, टोटल आपका 30% हो गया। उसको काट कर यूट्यूब आपको पेमेंट देगा जिस हिसाब से आपको देनी होती है, यदि आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा 24%, इसलिए उसमें से भी 24% हो जाएगा, इसलिए आपको ये सब भरना है। इसमें 15% ऊपर वाले में, बीच वाले में 0% और नीचे वाले में 15%, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आप देख सकते हैं मोशन एंड पिक्चर टीवी रॉयल्टी, आप देख रहे हैं दोनों, ये वही है। उसके बाद रीजन आप देख सकते हैं मीटर ट्रेम कंडीशन पर ओके टैप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट कर देते हैं एक्टिविटी सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएस आपके सामने ओपन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इसे नो करना। आप देख सकते हैं आप ये पूछ रहा है हमसे कि कोई भी अन्य एक्टिविटी या सर्विस गूगल विद इन यूएस, डू यू एक्सपेक्ट एनी फ्यूचर के अंतर्गत आप करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको बताना है, तो हम नो करेंगे और इस पर आई क्वालिफाइड सिंपली टैप करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे।
जैसे हम नेक्स्ट पर सेलेक्ट कर देते हैं तो टैक्स रिपोर्टिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। ये अलग फॉर्म है, इसमें गेट डॉक्यूमेंट बाई मेल, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेल के द्वारा आएगी। गो पेपरलेस रिकमेंडेशन है, आपको गेट डॉक्यूमेंट बाई मेल पर सिंपल सेलेक्ट कर नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू आपके सामने ओपन देगा, इस पर टैप करना है, ये क्लिक कर देने हैं, ये आ गए। उसके बाद ये भी क्लिक कर देना है, ये टोटल आपका फॉर्म आपको दिखा देगा, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसमें टैप करना है, टैक्स फॉर्म क्लेरिफिकेशन टैप करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं इस पर टैप करना है, और आप देख सकते हैं ईयर 2020 आपके सामने लिखा होगा, कुछ और भी लिखा होगा, सिंपली इसको बदल देना है। आपको बदलने के बाद 2024 करना है, और जिस दिन आप अपना फार्म भर रहे हैं वो डेट आपको डाल देनी है। मैंने भर रखा 17/9/2024 को, सिंपली इस पर कर देना है। उसके बाद यूअर सिग्नेचर, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यूअर सिग्नेचर आ गया, यस आई एम बेनिफिशियरी। ये हमसे पूछ रहा है कि जो आपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी थी क्या आप उसके ओनर हो जिसने पैन कार्ड दिया है लगाया है, तो यस करेंगे हम, क्योंकि हमने अपना ही दिया है, यस करना है। यस करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे यस करेंगे, यस करने के बाद सिंपली आपका नाम आ गया, आप देखते हैं फुल निकल रहे हैं, वो सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट कर देंगे कुछ तुरंत आपके सामने आपको मेल भी दिखाई देगी, और यदि सबमिट करने के बाद आपको अपनी यदि कुछ फॉल्ट दिखाई देता है उसमें क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है यदि डाउनलोड करने के, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूज़र थोड़े से पुराने हैं उनको ये बोलता है जिसमें कुछ दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट में, वो आप क्या है अपनी गवर्नमेंट आईडी डाल सकते हैं, पासपोर्ट आप डाल सकते हैं, या पहचान पत्र डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो आईडी है वो आप डाल सकते हैं, सबमिट कर देते हैं। यदि आप सबमिट कर देते हैं तो कुछ देर प्रीव्यू रहेगा, उसके बाद आपका जो है अप्रूव हो जाएगा, और ऐसे यदि सेम रहेगा तो सबमिट करते ही तुरंत आपके सामने मैसेज आ जाएगा और आप जो है वेरीफाई कर लेंगे। आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।